कच्ची शराब बनाने के लिए गांव में भट्टियां जल रही है। क्षेत्र में एक दर्जन से भी अधिक गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहा है, आबकारी का काम पुलिस कर रही है। पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव बरिया में वाछड़ा डेरे में दबिश दी। पुलिस को कच्ची शराब तो नहीं मिली, लेकिन कच्ची शराब बनाने में उपयोग में आने वाली लाहन मिली। पुलिस ने नाले में पड़ी 2000 लाहन जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि गांव बड़िया में बांचड़ा डेरे में बड़ी मात्रा में माफिया द्वारा की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव बड़िया में शामिल 5 बजे पहुंचे। पुलिस के आने से पहले ही कच्ची शराब बनाने वाले माफिया भाग गए और जंगल में नाले में प्लास्टिक की टंकियों में लाहन भरा हुआ मिला। पुलिस ने लाहन को मौके पर ही नष्ट करने की कच्ची शराब बनाने की तैयारियां शराब कार्रवाई की। कच्ची शराब पर नजर रखकर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दर्जन से भी अधिक गांव की जिम्मेदारी सिर्फ एक आरक्षक के भरोसे दे रखी है। मनासा मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग का दफ्तर पर अधिकांश समय ताले लगे रहते हैं। थाना प्रभारी केएल डांगी ने बताया कि गांव बड़िया में दबिश दी गई, जहां पर कच्ची शराब बनाने के लिए लाहन इकट्ठा कर रखी थी। मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ नाले में कच्ची शराब बनाने में उपयोग की जाने वाली लाहन मिली। पुलिस को 2 लाहन मौके से मिली, जिसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई।